खुद को कभी शरीर नहीं समझना चाहिए, शरीर नाशवंत होता है, तुम तो अजर अमर आत्मा हो। कैसे, आइए देखते हैं आज की वाणी में। जयराम जी की। दिनांक 22 जून स्वामी लीला शाह वाणी में आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रभु के द्वार पर शिकायत। स्वामी लीला शाह महाराज जी ने कहा है कि यदि मन न समझे तो भगवान के आगे मन के दोषों को प्रकट करो कि मन विषय विकारों में चला जाता है, विषय जड़ है, मन मुझे भी जड़ बनाना चाहता है, कोई बात नहीं सुनता, मुझे बहुत दुखी करता है। इस प्रकार भगवान को प्रार्थना द्वारा शिकायत करते रहोगे तो मुर्दा मन पर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रभाव होता रहेगा। जयराम जी की। ईश्वर सदैव दयालु है, आखिर मन को सुमति आ जाएगी और सीधे मार्ग पर आ जाएगा। जयराम जी की। वेद मानव जाति को उन्नतिशील बनाता है। वेद हमें चेतावनी देते हुए कहता है कि हे मनुष्य, अपनी वर्तमान अवस्था से ऊपर उठो और नीचे न गिरो। यदि मौत भी तुम्हारे मार्ग में आए तो उसके बंधनों को काट दो। जयराम जी की। तारीख 22 जून स्वामी लीला शाह वाणी में तमा जो स्वागत आए। अज जो विषय आए प्रभु अदर शिकायत। स्वामी लीला शाह महाराज जन चौवन था त अगर मन न समझे त ईश्वर अॻियां मन जी दोषन जो इज़हार करियो त मन विषय विकारनि में हलियो थो वञे। विषयूं जड़ आहिनि, मन मूंखे बि जड़ बणाइण थो चाहे, काथी बि बात नथो ॿुधे, मूंखे ॾाढो दुखी थो करे। ईअं भॻवान खे प्रार्थना द्वारा शिकायत कंदा रहंदा त मुर्द मन ई दिन ब दिन कुझु न कुझु असरु थींदो रहंदो। ईश्वर सदा दयालु आहे, नेठ मन खे सुमत अची वेंदी ऐं सही राह ते अची वेंदो। जयराम जी की। वेद मानव जातीअ खे उन्नतीअ वारो बणाइनि था। वेद असांखे चवनि था त हे मनुष्य, पंहिंजी हाणोकी हालति खां मथे उथो ऐं हेठि न किरो। अगरि मौत बि तव्हांजे रस्ते में अचे त उन जे बंधननि खे बि कटे छॾियो। जयराम जी की।